हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसान इस पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्राणी है। हम इंसानों ने हमारी इस इंटेलिजेंस के बल पर एक ओर जहां समुद्र की गहराइयों को नाप लिया, दूसरी ओर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू लिया। लेकिन आज तक ये सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कैसे डिसाइड होती है। क्या ये हमें जन्मजात मिलती है हमारे पेरेंट्स से, क्या ये जेनेटिकली डिसाइडेड है, या हमारे इंटेलिजेंस को हमारी परिस्थितियाँ डिसाइड करती हैं? ये एक डिबेट का इशू है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके माने क्या हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंटेलिजेंस है हमारे सीखने की, समझने की, सोचने की एबिलिटी। लेकिन आज हम जानेंगे कि साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट क्या है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस टॉपिक पे काम किया है और इसकी बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। लेकिन एक जो डेफिनेशन है वो इंटेलिजेंस को बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन करती है और वो मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम बात करते हैं आज इस वीडियो में डेविड वेक्सलर की डेफिनेशन की। वेक्सलर एक बहुत ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। वेक्सलर की डेफिनेशन समझने के बाद में आप इंटेलिजेंस को एक बहुत अलग तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं डेविड वेक्सलर इंटेलिजेंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू डेविड वेक्सलर, इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट और अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. वेक्सलर की इस डेफिनेशन में कुछ जो खास बातें हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो वेक्सलर के अनुसार हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक एग्रीगेट, एक ग्लोबल कैपेसिटी है, हमको बहुत सारी एबिलिटीज़ का एक कलेक्शन है। और इन्होंने तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि इस इंटेलिजेंस के बेसिस पे, इस एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी के बेसिस पे पर्सन करता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्ट पर्पसफुली। आप बुद्धिमान हैं ये कैसे पता चलेगा? आप जो भी काम करते हैं वो पर्पसफुल होना चाहिए। तो इंटेलिजेंट लोग वो हैं जो पर्पसफुल एक्ट करते हैं। जैसे लोग होते हैं कुछ भी करते रहते हैं, जो मन में आए कर लेते हैं, उनका कोई एम नहीं होता, उनका कोई गोल नहीं होता, उनका कोई टारगेट नहीं होता, आज क्या काम करना है उनको कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे जो भी एक्ट्स हैं जो कि पर्पसफुल नहीं हैं, हम उन्हें इंटेलिजेंट नहीं मानते। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंस आपको क्या देती है, पर्पसफुल एक्ट करने की एबिलिटी। दूसरा, टू थिंक रैशनली, रैशनल थिंकिंग, यानी कि तार्किक क्षमता जो है वो हमें मिलती है, तार्किक तरह से सोचने की जो एबिलिटी है वो है हमारी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस हमको प्रोवाइड करती है कि हम तार्किक रूप में सोच सकें, तर्क कर सकें, लॉजिक्स प्रोवाइड कर सकें, इस तरह की जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है ये है इंटेलिजेंस। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस डेफिनेशन का और हमारी इंटेलिजेंस का सबसे अल्टीमेट पर्पसेस, टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरमेंट। इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, जो अपने एनवायरमेंट में बहुत ही इफेक्टिवली एडजस्टेड है, यानी कि अच्छे से समायोजित है। सो फ्रेंड्स, अगर हम डेविड वेक्सलर की इस डेफिनेशन को माने तो इंटेलिजेंस ना सिर्फ हमें पढ़ने पढ़ाने सीखने की एबिलिटी देती है, बल्कि इंटेलिजेंस हमें ओवरऑल हमारे एडजस्टमेंट को डिसाइड करती है। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।